नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 4 जून वो तारीख जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद कुछ ने ठुमके लगाए तो कुछ की आंखों में आंसू आए। लेकिन ये तारीख वाकई ऐसी तारीख रही जिस दिन बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ी राजनीति के खेल में मैच हार गए। लेकिन कुछ ने तो मैच ऐसा खेला कि वो 5वीं बार भी जीत गए। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे चेहरों पर जिनमें से कुछ के लिए ये दिन यादगार बन गया और कुछ को निराश कर गया। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से 152,513 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को हराया है। पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। इस तरीके से कंगना रनौत, एक्ट्रेस और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीत दर्ज की है। कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हरा दिया। कंगना को 5,37,022 वोट मिले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी को वायनाड में 6,47,445 वोट मिले। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एनी राजा को 3,64,422 वोटों से हरा डाला। दूसरी सीट रायबरेली से उन्होंने 3,09,030 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। राहुल को रायबरेली में 6,87,649 वोट मिले हैं। बात करेंगे अखिलेश यादव की, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 1,70,076 वोटों से हराया है। अखिलेश यादव को कन्नौज में 6,40,207 वोट मिले हैं। इस तरीके से नामी चेहरा हेमा मालिनी, मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने 2,93,407 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें 5,01,064 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धंगर को 2,16,043 वोट मिले। बात करेंगे अमित शाह की, बड़ा चेहरा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से 7,44,716 रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी सोनल रमन भाई पटेल को हरा डाला है। अमित शाह को 10,10,972 वोट मिले हैं। बात करेंगे नितिन गडकरी की भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। नितिन गडकरी को 6,52,809 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे को 1,36,868 वोटों से हरा डाला। बात असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से 5वीं बार जीत दर्ज की है। ओवैसी ने बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को 3,38,087 वोटों से हरा डाला। ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 3,23,894 वोट मिले हैं। यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के बहरमपुर से यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 85,328 वोटों से हराया है। यूसुफ पठान को 5,22,374 वोट मिले हैं। बात किशोरी लाल की करेंगे, क्योंकि किशोरी लाल अमेठी से कांग्रेस के लिए मैदान में थे। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,67,196 वोटों से हराया है। उन्होंने 5,39,228 वोट हासिल किए और इस सीट पर पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। बात मनोज तिवारी की भी होगी, क्योंकि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को लगभग 1,37,066 वोटों से हराया। मनोज तिवारी को करीब 8,21,567 वोट मिले हैं। बात संबित पात्रा की, क्योंकि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजू जनता दल के अरुण मोहन पटनायक को करीब 1,04,694 वोटों से हरा डाला। संबित पात्रा को 6,29,046 वोट मिले। संबित पात्रा पहली बार अब संसद जाएंगे। बात शशि थरूर की,
क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर लगातार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से जीतते नजर आ रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की है। शशि थरूर ने बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को 16,077 वोटों से हराया है। शशि थरूर को 358,155 वोट मिले। फिलहाल ये तो बात हुई उन दिग्गजों की जो जीत गए, लेकिन अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जिनको जनता ने पसंद नहीं किया, क्योंकि राजनीति के कई दिग्गजों को उलटफेर का शिकार होना पड़ा। जहां पर चुनाव से पहले उनकी जीत तय मानी जा रही थी, इनमें से कई दिग्गज हार चुके हैं, जिनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, और इन्हीं में से एक है। बात दिनेश लाल यादव की अब करते हैं, क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को सपा प्रत्याशी ने 1,61,035 वोटों से हरा दिया। दिनेश लाल यादव को 3,47,204 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिले। मेनका गांधी एक बड़ा चेहरा, सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी हार गई। सपा प्रत्याशी रामभुवन निषाद ने मेनका गांधी को 43,174 वोटों से हराया है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर में 4,01,156 वोट मिले। बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की, जो जम्मू कश्मीर में जाना माना चेहरा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव में हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ अहमद ने महबूबा मुफ्ती को 2,81,794 वोटों से हरा डाला। महबूबा मुफ्ती को 2,04,042 वोट मिले। बात कन्हैया कुमार की, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को 1,37,066 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को 6,84,501 वोट मिले। दिग्विजय सिंह कांग्रेस का जाना माना चेहरा, अपने बयानों के लिए भी जाने माने जाते हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एमपी के राजगढ़ से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को 1,45,537 वोटों से हराया। दिग्विजय को 6,01,602 वोट हासिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला, ये भी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है। बारामूला से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद शेख ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2,41,402 वोटों से हराया। उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट मिले। बात अजय राय की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय राय को 1,52,513 वोटों से हरा डाला। अब यानी इससे ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों की सबसे खास बात ये रही कि नरेंद्र मोदी वो कमाल नहीं कर पाए जो उनके आभा मंडल में आकर लोग यूं ही मानकर चल रहे थे। कमाल तो छोड़िए, 370 सीटों पर कमल खिलाने का ख्वाब बुन रही पार्टी की गठबंधन भी 300 के अंक को नहीं छू पाई। मोदी के चेहरे पर वोट मांगने वाले नेताओं की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मोदी का चेहरा वो कमाल नहीं कर पाया जो ये सांसद चाहते थे, और इसलिए ये हार गए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।